आप सभी को आज हम कक्षा 7 का 13 पार्ट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सौर मंडलम। अर्थात हम सौर मंडल के बारे में यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, वयम प्रतिदिनम सूर्यम चंद्रम नक्षत्राणि च पश्यामः। हम प्रतिदिन सूर्य और चंद्र को देखते हैं और नक्षत्राणि नक्षत्रों को भी देखते हैं। चकिता एलादिताश्च भवामः, और उनको देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। ब्रह्मांडस्य आकाशगंगायाम आकाशपिंडानाम समूहः वर्तन्ते, मतलब ब्रह्मांड में आकाशगंगा के साथ साथ आकाशपिंड भी समूह के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तेषु आकाशपिंडेषु तारागणः, उन आकाशपिंडों में तारागण, ग्रह और उपग्रह भी हमें दृश्यन्ते, मतलब दिखाई देते हैं। ये प्रकाश युक्तः, ये स्वयं के प्रकाश से युक्त होते हैं। और भवन्ति ते तारा इति कथ्यन्ते, इसलिए हम इसे तारा कहते हैं। तेषु सूर्या प्रमुखा, इनमें से सूर्य जो है वो प्रमुख है। सह स्वप्रकाशेन ग्रहान उपग्रहान च प्रकाश्यति, यह स्वप्रकाश से मतलब अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और पूरे संसार को प्रकाशित करता है। कौन? सूर्य। सूर्य भी एक तारा है जो सबसे बड़ा तारा कहलाता है और जो दूसरों को भी प्रकाश देता है। स्वप्रकाश रहता पिंडा ग्रह इति कथ्यन्ते, स्वप्रकाश रहित मतलब अपने प्रकाश से रहित होकर जो अलग हो जाते हैं उन्हें पिंड कहते हैं। सर्वे ग्रह सूर्या परिक्रमन्ति, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यात, पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत दूर है। स्वयं स्वधुरे, वह अपनी धुरी पर 23.56 घंटे में घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। और 365.25 दिवसेषु सूर्यम परिक्रमति, मतलब एक वर्ष में, लगभग एक वर्ष में वह सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्व्या सह अन्य ग्रह अपि सूर्य प्रकाशने प्रकाशितः, पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। सूर्यम केंद्र स्थाने तिष्ठति, सूर्य केंद्र स्थान में तिष्ठित है, मतलब बैठा हुआ है, स्थित है, इसलिए सभी ग्रह जो होते हैं उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्या पूरिता क्रमेण बुध शुक्र पृथ्वी, तो सूर्य के पूरिता मतलब आसपास क्रम से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति गुरु शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, जिसे हम यम बोलते हैं, इति ग्रह परिभ्रमन्ति, ये सारे ग्रह उसकी परिक्रमा लगाते हैं। उपग्रह ग्रहम परिता भ्रमन्ति, ये सभी उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येकश ग्रह उपग्रह, प्रत्येक ग्रह का एक उपग्रह भी है। चंद्रा पृथिव्या उपग्रह, चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रस पृथ्वी परिता भ्रमण काला 27.32 दिवसा, तो चंद्रमा का जो परिभ्रमण होता है, चंद्रमा का जो परिक्रमा होती है, वो पृथ्वी की 27.32 दिनों में उसकी परिक्रमा पूरी करता है। प्रतिदिनम चंद्रस्य आकार भेद दृश्यते, प्रतिदिन हमें चंद्रमा का आकार छोटा और बड़ा दिखाई देता है। पूर्णिमायाई रात्रौ, पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्रस्य दर्शनम भवति, हमें पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें बड़ा चांद दिखाई देता है। और अमावस्याम रात्रौ तु दर्शनस्य दर्शनम न भवति, परंतु अमावस्या की रात्रि को हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। सूर्यस्य मंडले एव एतेषां सर्वेषां ग्रहाणाम उपग्रहाणाम च स्थिति अस्ति, सूर्यस्य मंडले, सूर्य के मंडल में ये सभी ग्रह जो होते हैं उपग्रहों की स्थिति स्थित होती है। अतः एतेव सौर मंडलम इति उच्यते, इसलिए हम इसे सौर मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी ग्रह एक मंडल के रूप में, एक समूह के रूप में स्थित रहते हैं, इसलिए हम इसे सौर मंडल कहते हैं। एतान अतिरिच्य आकाशगंगा, या तारों की छोटी छोटी जो संख्या होती है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। आप कभी भी रात्रि में देखना, गहरे अंधकार में हमें तारे टिमटिमाते हुए, बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए एक आकाशगंगा की भांति हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे समूह में हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ईदृश्य नाम तारागणा नाम अनेक समूह वर्तन्ते, ऐसे हमें अनेक समूह दिखाई देते हैं। ब्रह्मांडस्य शिवालताया कल्पना दुष्करा एव अस्ति, तो ब्रह्मांड की विशाल कल्पना करना हमारे लिए दुष्कर है, परंतु हमने जो चीज़ें थी उसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में यहाँ जाना, ग्रहों के बारे में जाना, उपग्रहों के बारे में जाना, सूर्य चंद्रमा के बारे में जाना,
और अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में जाना, तो कैसे हमारा जो सौरमंडल होता है उसके बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।